जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, जय जगन्नाथ। तो गाइज, आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। खास करके दिवाली की शॉपिंग जोर शोर से चल रही होगी, मैं भी हैप्पी हूँ, लेकिन थोड़ा सा सैड भी हूँ, क्योंकि दिवाली परसों है ना, मुझे भी कुछ सामान चाहिए था, लेकिन क्या करें, हम बाबा के घर में थे, कुछ अलग काम में बिजी भी थे, तो घर की दिवाली के लिए शॉपिंग नहीं कर पाए। लेकिन छोटी बहन ने बोली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, देखते क्या होता है। एक्चुअली गाइस, मेरा तो बहुत दिन से एक चीज़ ऐसे ही तीजर में पड़ा रहा था, लेकिन ख़ास करके हमारी छोटी बहन की हस्बैंड श्रीकांत को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इनके लिए आज ये संभव हो पाया। इसलिए मैं बोलती हूँ और मेरी बहन भी बोलती है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गाइस, एक्चुअली परसों दिवाली है, लेकिन क्या करें, बहुत सारा काम है और अलग काम में हम बिजी थे, तो कुछ इस दिवाली में हम नहीं ठीक से कर पाए। तो क्या करें, बहुत दिन हुआ मेरे ऐसा जो पीतल और कांसे का सामान ऐसे ही तिजोरी में पड़ा रहा था, जो कि मेरे शादी के वक्त मेरे बाबा बहू ने मुझको दिया था। इसको मैं बहुत और प्यार से संभल कर तिजोरी में रखा था, जो कि आज जाके इसको निकाल रही हूँ पूजा करने के लिए। तो गाइस, क्या हुआ ना, परसों दिवाली है, राज की तो शॉपिंग जोर शोर से कर रहा है पटाखे की, लेकिन इस बहुत सारा पटाखा मार्केट से लाया है, लेकिन उसको अभी भी कम पड़ रही है, तो उसका और भी लाने का मन है। लेकिन मेरा छोटा सा ख्वाहिश था कि मैं इस दिवाली में पूजा में एक चांदी का मुझे चाहिए पूजा के सामान, जो कि मैं नहीं कर पाए। ऐसे बात नहीं कि पैसे नहीं, इसलिए कि मैं अलग काम में हम सब बिजी थे, तो ध्यान नहीं दे पाए, तो बहुत ही दुख हो रहा है मुझे। खास करके मुझे इस दिवाली में चांदी की कुबेर यंत्र चाहिए था, लेकिन क्या कर पाए, नहीं हो पाए। दिवाली भी आ गए, तो खाना खाकर रात में हम सो गए। जब सुबह हुआ तो हमारी श्रीकांत हमारे घर में आए, तो एक सुंदर सुंदर चीज़ के साथ घर में पधारे। तो ये था एक पीतल का दो लोटा, जो कि बहुत सुंदर था। तो इस लोटे को देखकर मुझे मेरी सामान की याद आ गई, जो कि शादी के टाइम मेरी बाबा बहू ने मुझे दिया था, जो आज भी ऐसे ही तिजोरी में पड़ा है। बहुत दिन हो गया, राज को ऐसे ही मैं बोल रही थी ऊपर चढ़, मुझे कुछ सामान चाहिए, जो कि आजकल फैशन में चल रहा है, फैशन है, हेल्थ के लिए भी ये जो कांसे का कढ़ाई वगैरह में खाना बनाना बहुत शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, हेल्थ के लिए भी सही है, जो कि बहुत दिन से ऐसे ही मैं बोल रही थी, वो नहीं सुन रहा था। लेकिन उसके अंकल जो बोले, राज ऊपर चढ़ो, मामा को क्या क्या शादी के टाइम गिफ्ट मिला है हमें, हम देखेंगे। तो राज फटाफट चढ़ गया, उसके साथ साथ वो पापा भी चढ़ गए। हमारे श्रीकांत चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, मैं बोली कोई बात नहीं, मैं आप यहाँ पर बैठो, मैं निकाल उसको पकड़ लूँगी। तो कोई बात नहीं, सारे सामान आस्ते आस्ते निकल रहे हैं। मैं एक चीज़ के लिए दिवाली के लिए तरस गई थी, लेकिन भगवान मुझे बहुत सारा चीज़ मुझे पहले से दिया है, जिसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि गाइस, एक्चुअली सचमुच जो भी हम बाहर ही खुशी के लिए तरस रहे, लेकिन हमारे घर में ही खुशी है, ये हम भूल जाते हैं। तो गाइस चलो, क्या क्या सामान मुझे शादी के टाइम मिला है तिजोरी से निकाल रही हूँ, तो चलो देखते हैं। तो चलो चलते हैं गाइस। Oh,
हाँ कड़े अच्छे हैं। अच्छे बहुत कितने सामान दे छ मुझे हाँ दिया छड़ा हाँ छड़ा हाँ सब काट दियो सब काट ले जानी बा बहुत रेट रेट है लड़े में बहुत रेट है हमारे में 5 किलो होती 1200 हळदी काठोडा बढ़िया है विंटेज भाया मस्त है जी हळदी काठोडा हाँ हळदी काठोडा सही तरह कर रहे बेटा आम से आर आम ओजन टा कर हांडीटा खाली कैसे अच्छे तीन किलो तीन शौ तीन किलो तीन शौ कैसे आसिकन तीन किलो तीन शौ देखिए कैसे सुंदर लगे ना हाँ नहीं कड़ेटा से थाली फाली सब काटदा हम खाया काट नहीं रस बेस गाइस आप लोग देखे ना हम कैसे खुफिया जगह से सिंदूक से कैसे कैसे चीज निकाले। एक्चुअली ये हमारी संपत्ति है गाइस। आज ना सचमुच मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है क्योंकि इस काम में मेरा राज हमारा श्रीकांत हम मिस्टर विशाल सब लग गए थे। दीदी को क्या क्या मिला है शादी के टाइम मामा को क्या क्या मिला है जो कि आज ना ये सारे चीज़ को देखकर मेरे जो शादी के वक्त सारे चीज़ सारे याद मेमोरीज में फिर से छा गई आँखों की आगे तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली पुराना चीज़ पुराना स्मृति पुराना मेमोरीज ना जब सामने आ जाते हैं ना सचमुच एक फेस में एक अच्छा सा स्माइल आ जाता है। थैंक यू बाबा बहू थैंक यू श्रीकांत थैंक यू मिस्टर विशाली थैंक्स राज इसलिए कि ये सब आज मैं सारे चीज़ अपनी आँखों से अपनी हाथों से टच कर पाई जो उस वक्त जो मैं फील नहीं कर पाई थी आज वो फील मैं कर पा रही हूँ। थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। तो गाइस बहुत सारा काम है, अभी अभी घर को साफ किया है और लीची वगैरह भी लगाना है, तो इस काम में मेरा राज भी थोड़ा पोटिको को धोने में मदद किया है। तो और अब जो सारे जो आर्टिफिशियल फ्लावर है ना उसको भी लगा रहा है, और जो लीची वगैरह है इसको भी लगाने की कोशिश कर रहा है। बहुत दिन हो गया है ना, कोई ख़राब होगा इसमें, तो ये सारे चीज़ मेरा राज करेगा। और पूजा के लिए मुझे कुछ रेडी करवाना है, और देखो कितना सुंदर मेरा राज ना, मेरा बहुत काम कर लेता है। तो ये सारे जो फूल को डोर पर लगाएगा, और ये जो लीची लाइट को चेक करके इसको हम बाहर पोर्टिको में इसको लगाएंगे। तो सारे फूल को भी राज लगा लिया है। तो इस काम में मेरा राज ना सचमुच हमेशा मेरा हाथ बटाता है, जो भी फेस्टिवल वगैरह आता है ना वो सारे मुझे काम में हेल्प करता है। तो वो लाइट वगैरह भी लगाएगा, लीची वगैरह भी लगाएगा, और यहाँ पर सारे जो मार्केटिंग है वो भी करके लाया है, जो दिया वगैरह जो भी मुझे पूजा में चाहिए बाहर ऑयल वगैरह दिया में लगाने। तो ये भी मैंने स्वस्तिक बनाया अपने डोर पर घर को प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। ये सिंदूर चंदन और केसर का तिलक मैंने लगाया है, और अब पूजा भी करेंगे। तो पूजा में कुछ पूजा के लिए मैं माँ के लिए प्रसाद भी बनाऊंगी, और प्रसाद में क्या मैं बनाई आपको पता है ना, प्रसाद में मैं खीर बनाई, और खीर के साथ ये जो नई बर्तन है ना कांसे का जो मुझे मेरी मदर बहू ने दिया था, इसमें आज मैंने फर्स्ट टाइम खीरी बनाया है माँ के लिए। और खीरी के साथ साथ मैं पूड़ी भी बनाई हूँ और सब्जी भी बनाई हूँ। तो यहाँ पर खीरी हम बाउल में निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम पूड़ी को छान भी लेते हैं, और सारे सामान रेडी करके हम पूजा के लिए रेडी हो जाएंगे। घर में भी पूजा होगा, और हमारे जो गांव के में भी जो पूजा है वो में भी, उसमें भी राज और मिस्टर विशाल भी जाएंगे। हम बिरादरी के लोग एक साथ मनाते हैं, जो हमारी एक महीने तक हमारे पास जो हमारे पूर्वज हमारे साथ थे, तो इस बार उनको आज विदाई देंगे। तो उनको इसके लिए भी तैयारी साई में जोर शोर से हुआ है हमारे पुराने घर में। तो चलो पहले घर की पूजा ही कर लेते हैं, और घर की पूजा करने के बाद हम जाएंगे अपने पुराने वाले घर पर। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ, हमारी बिरादरी के साथ यहाँ पर हम पूर्वजों की इनवाइट करके उनको आज विदाई देंगे। तो चलो चलते हैं गाइस, पहले पूजा कर लेते हैं। Thank you.
घर में तो पूजा हो गई है और थोड़ा पटाखा भी हमने फोड़ लिया और बहुत सारे पीक उठाए रात के साथ मिस्टर विश्वल जी के साथ। और आज मैंने अपनी प्रिंसेस को बहुत मिस किया। अब जाएंगे हमारे पुराने घर को और बिरादरियों के साथ दिवाली मनाएंगे। यहाँ पर अलग तरह की दिवाली होगी, तो चलो चलते हैं गाइस। पूजा की करे 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 पूजा कर फल में लगे करे पानी फटा गाइज आई होप आप बहुत अच्छे से इस बार दिवाली मनाई होगी। मैं भी बहुत मेमोरेबल के साथ इस बार दिवाली मनाई हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए धरित्री ब्लॉग। बाय गाइज, गुड नाइट, जय जगन्नाथ।